अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। नाज़रीन, ये जलसा सालाना जर्मनी है और अभी हम आपको दस्तरखान दिखाते हैं कि जिनके वादे खुदा ताला ने हर तक मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ किए थे कि मैं तेनों इन्ना दवांगा कि तू रज जाएगा। ये देखें, ये दस्तरखान लगा हुआ है, ये तैयारी की है। रोटियों के पैकेट हैं, मिनरल वाटर है, और देखें किस कदर ये एक हाल है अभी खाने का ना, ये दूर तक दे सकते हैं। और इस सारे काम को करने के लिए बहुत से कारकुन हैं जो अल्लाह ताला की खातर अल्लाह के खातर वो जो काम करते हैं जी। अभी इजलास की कार्रवाई हो रही है। ये देखें ब्रोचरी किस मकदार में, ये सुबह नाश्ते में दी जाती हैं, इनके साथ बटर होते हैं, जैम होते हैं। और इसी तरह हमारी जमात के ये कारकुन हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से वो तैयारी में है अभी, जैसे कि वो प्रोग्राम अभी चल रहा है, इलाज की कार्रवाई चल रही है। तो आने वाले मेहमानों के लिए ये खाना वगैरह डाल के देंगे, फिर दोस्त खाएंगे इंशाल्लाह ताला जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे कारकुन माशाल्लाह जमात की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और ये ये बर्तन वगैरह देखें किस तरह से लगाए हुए हैं, इसलिए कि वो बर्तन भी लगाए हुए हैं और बर्तन ये कागज़ की प्लेटें हैं, इसलिए पीछे करके कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिनमें कहा गया था कि वो प्लास्टिक जो है वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है, अगर उसमें हम गर्म सारल डालें तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर पैदा होते हैं। जिसके बदौलत जमात अहमदिया आलमगीर को ये हदायत है खलीफ़त मसीह की तरफ से, हुज़ूर की तरफ से, कि वो मुझे कागज़ के बर्तन यूज़ करें। तो ये देखें कितने दस्तरखान लगे हुए हैं, ये सारे ये दोस्त वो हैं कि जो खाना वगैरह डाल के देंगे दोस्तों को, सर्व करेंगे। और ये छह जगह पे तकरीबन ये बनी हैं जहाँ पे बहुत सारी देगें पड़ी हुई हैं और आने वाले मेहमानों को खाना डाल के देंगे। बहुत बड़ा सेल्ट है। और मैं ये भी बताता चलूँ, ये एक सेल्ट नहीं, ये देखिए मिनरल वाटर है पीने के लिए, और वो नीचे भी इनके वो बंडर रखे हुए हैं कि मेहमानों को ज़रूरत देंगे होगी तो जल्दी जल्दी सेल्व करते जाएंगे। और इसी तरह ये रोटी है, और अभी सालन भी आएगा, दाल आएगी, आलू गोश्त। और इस जलसे सालाना पर आने वाले प्यारे मेहमानों के लिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के अचार तक रखा गया है कि वो जो भी सालन हो, कुछ लोग दोस्त होते हैं वो अचार भी खाना पसंद करते हैं। और ये देख रहे हैं वो काफ़ी दूर तक ये सारा दस्तरखान लगा हुआ है, और खुदा ताला के वो वादे जो खुदा ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से वादे फरमाए थे कि मैं तेरे इन्ना था तू रज जाएगा। आज अभी तो हाल खाली है, इजलास की कार्रवाई शुरू है, जिसकी वजह से ये देखे पीने की बोतलें भी तरतीब के साथ रखी गई। ये सिर्फ एक हाल है, इस तरह के और भी हैं। ये स्टाबला है, लिफ्टर, इसके साथ रोटियां वगैरह लेकर आए जाती हैं इन प्यारे मेहमानों के लिए। ये पकी पकई रोटियों का जो एक वो पायलट है, इस तरह के और भी। और इसी तरह ये चाय का स्टाल है, इसमें जो पाइप जा रहा है पानी का, तकरीबन जब चाय बना रहे होते हैं सारा टाइम चलते ही रहता है, एक देख पानी की भरते हैं, वो भी चूल्हे के ऊपर, दूसरी तीसरी। और ये देखें हज़ारों लोगों को चाय पिलाना भी कोई आसान काम नहीं है, फिर उसके बाद खाना, उसके साथ अचार। और ये इधर भी वो नॉर्मली ये मुख्तलिफ लाइनें हैं जिनमें लग के दोस्त वो चाय लेते हैं। और ये जो डिब्बे बंद पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इनमें वो कागज़ के बने हुए गिलास हैं, प्लास्टिक को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है, डिस्पोजिबल बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस तरह ये गिलास अलहदा करके रख लिए जाते हैं, इसलिए कि जब आने वाले मेहमान आए उनको कोई तकलीफ ना हो, जल्दी जल्दी अपने गिलास पकड़ दे जाएँ और चाय से भर के तो वो फारग होते रहें। ये सारा टी स्टैंड है जो अभी तो फारग है, इसी की जल्द से इजलास की कार्रवाई शुरू है। तो बाद में से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, सारे दोस्त आके चाय पीते हैं, जितनी दफ़ा मर्जी पिए जी। ये जलसे पे आने वाले मेहमानों के लिए ये पास्ते का जो है ना ये हाल है, इसमें दस्तरखान जहाँ पे पास्ता मिलता है यूरोपियन लोगों के लिए, बच्चों के लिए। और अभी कुछ कारकुन जो बाहर अभी रेस्ट कर रहे हैं, इसी की वो तैयारी में है कि अभी वो कार्रवाई ख़त्म होगी, फिर वो बच्चों को खाना वगैरह खिलाना है उन्होंने जी। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये देखिए ये दूसरा दस्तर है आना है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जलसे के दौरान, और इसमें देखिए ये रोटियां भी हैं, अभी वो सेल्फ नहीं कर रहे दोस्तों को। और इसी तरह
दोस्त जो बच्चे अपनी फुल तैयारी में हैं, और एक जलसे को कामयाब बनाने के लिए हम बहुत से कारकुन जो वो बेहद मेहनत करते हैं, जिसकी बदौलत जलसा कामयाब होता है। और देखें सफाई का भी कितना बेहतरीन इंतजाम है, ये देखें कितने बड़े बड़े दस्तरखान हैं। ये दूसरा हाल है अभी ना जलसा सलाना जर्मनी का, ये मुख्तलिफ टेबल लगे हुए हैं जहाँ पे वो खाना वगैरह तकसीम करेंगे दोस्तों को, और ये सारे कारकुन जो है खाना तकसीम करेंगे। ये फुल अपनी तैयारी में है, बर्तन खुले हुए हैं इन्होंने प्लेटें, और जब मेहमान आएंगे खाना खाने के लिए उन्हें फौरी तौर पे खाना तकसीम किया जाएगा। तकरीबन ये 5-6 बड़े बड़े ये ना ये एरिया हैं जहाँ पे वो सालन वगैरह डाल के देंगे, टेबल लगे हुए हैं मेहमानों को, और मेहमान पकड़ के फिर खाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये हज़रत कुसुम सिंह मदरसा का ये देखें, ये भी एक बहुत बड़ा दस्तरखान है, ये दूसरा हाल है। और इस तरह से एक और भी हाल है जो 24 आवर भी इधर जलसे को दौरान चल रहा है, जहाँ पे वो शुगर के मरीज़ या दूसरे तीसरे जो भी होते हैं जिनके वो अचानक भूख लग जाती है, जो टाइमिंग के अलावा भी खाने की उधर से बासानी खाना खा सकते हैं। और इधर ही जलसा सलाना जर्मनी का ये बाज़ार है, जहाँ पे आने वाले मेहमान जो है वो फारिग टाइम में कुछ हमारे एशियन जो खाने हैं वो खा सकते हैं, जैसे टिक्के, कबाब, ग्रिल वगैरह, आइसक्रीम,